हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। आरपीएससी के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा 2023 प्री एग्जाम का प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस और परीक्षा योजना जो है वो जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं आपके सामने है, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2023 परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में नीचे विनिर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और अधिकतम 200 अंकों का होगा। तो प्री का जो पेपर होगा, नए विद्यार्थियों के लिए जानना महत्वपूर्ण है, प्री का जो पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसमें कितने अंक होंगे, 200 अंकों का क्वेश्चन होगा, 200 अंकों का पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, परीक्षा का उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग परीक्षण करना है। प्रश्न पत्र का स्तरमान स्नातक डिग्री स्तर का होगा। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अहित घोषित किए गए हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो जो मुख्य परीक्षा में अर्हित घोषित किए गए हैं, अर्हित का मतलब होता है योग्य घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा के आपके जो अंक हैं वो क्या होगा, योग्यता निर्धारित करने के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे, यानी मेन एग्जाम के साथ इसके अंक नहीं जुड़ेंगे। आपका जो रिजल्ट जारी होगा आरएएस का, वो मेन एग्जाम्स प्लस इंटरव्यू बेस के आधार पर जारी होगा। ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है जो आप ये निर्धारित करेगी कि आप मेंस में बैठने के योग्य हैं या नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, ये आपके सामने है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये कंपलसरी पेपर है, आप किसी भी विषय से के हों लेकिन ये सबके लिए कंपलसरी है, और ये 200 अंकों का होता है अधिकतम, और समय होता है 3 घंटे का। ठीक है, और इसमें प्रश्न जो आते हैं वो बहुविकल्पीय प्रकार के आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, और सभी प्रश्नों के अंक क्या होते हैं, समान होते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाता है। ठीक है, अब जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं अपन, तो मैं आपको ये बता दूं कि आरपीएससी के द्वारा ये जो प्री आरएएस प्री का जो सिलेबस जारी किया गया 2023 का, ये सिलेबस वही है जो आरपीएससी के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा 2021 प्री एग्जाम का सिलेबस था। यानी 2021 की प्री एग्जाम्स का सिलेबस और 2023 की प्री एग्जाम्स का सिलेबस सेम है, एक भी टॉपिक और एक भी बिंदु नहीं इधर से उधर हुआ है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो सेम सिलेबस है। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा सिलेबस है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, इससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, ये आपके सामने टॉपिक है, इसमें राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल, इसमें पुरापाषाण से ताम्रपाषाण काल एवं कांस्य युग तक, ठीक है, ये आएगा ऐतिहासिक राजस्थान, इसमें प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति, इसके बाद प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो इसमें गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछावा, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप एक बार देखना जरूर। ठीक है, 3-3 गाइड मैंने साथ ले रखी हैं, प्लस बुक साथ ले रखी हैं, उन सबको मिला करके और फिर मैंने वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप एक बार जाकर के जरूर देखना। इसके बाद में आधुनिक राजस्थान का उदय, इसमें 19वीं-20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारण राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, इस पर भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वीडियो बना रखा, आप एक बार देखना जरूर, अगर आपको पसंद नहीं आए तो बिल्कुल भी मत देखना, लेकिन एक बार देखना जरूर मेरे वीडियो। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, राजस्थान की वास्तु परंपरा, इसमें मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियां और हस्तशिल्प, ये टॉपिक हैं। फिर प्रदर्शन कला, तो प्रदर्शन कला के अंदर शास्त्रीय एवं
शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य एवं नाटक। फिर है भाषा और साहित्य, तो इसमें राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य। फिर धार्मिक जीवन, तो इसमें धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप देखना जरूर दोस्तों। सूत्र के रूप में भी पढ़ाया हुआ है, लोकवाद्य वाला जो टॉपिक है वो मैंने गाने के रूप में पढ़ाया हुआ है, आप देखना एक बार। फिर है राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले एवं त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण। फिर है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो ये टॉपिक है। इसके बाद में भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल, तो प्राचीन काल और मध्यकाल के कौन कौन से टॉपिक है वो आपके सामने है। भारत के सांस्कृतिक आधार, जिसमें सिंधु एवं वैदिक काल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, आजीविक बौद्ध तथा जैन, बौद्ध और जैन धर्म के ऊपर मैंने पूरा टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है, तीन तीन गाइड और बुक्स लेकर के बनाया हुआ है, आप दोनों का वीडियो जरूर देखना एक बार। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियाँ, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल, इसमें मौर्य के ऊपर और गुप्त के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो एक बार आप जरूर देखना। प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु, प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास, संस्कृत, प्राकृत एवं तमिल। फिर है सल्तनत काल, तो इसमें प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियाँ, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। मुगल काल, इसमें राजनीतिक चुनौतियाँ एवं सुलह, अफगान, राजपूत, दक्षिणी राज्य और मराठा। मध्यकाल में कला एवं वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत का विकास, भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक और साहित्यिक योगदान, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, एक बार आप जाकर के जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। फिर आधुनिक काल, इसमें प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 1964 तक, तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, यानी बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, विभिन्न नेता और संस्थाएं। फिर स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें विभिन्न अवधार अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान। तो दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इसके तीनों जो काल हैं, उदारवादी काल, उग्रवादी काल और गांधी काल, इन तीनों के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, एक बार आप जाकर के जरूर देखना। स्वतंत्रोत्तरीय राष्ट्र निर्माण, इसमें राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी का विकास। इसके बाद में विश्व एवं भारत का भूगोल, इसमें क्या क्या टॉपिक है, विश्व का भूगोल, तो प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पठार, पर्वत, मैदान और मरुस्थल, प्रमुख नदियाँ और झीलें, कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, पर्यावरणीय मुद्दे जिसमें मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन अवक्षय। फिर है भारत का भूगोल, इसमें क्या क्या टॉपिक है, प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार और मैदान, मानसून तंत्र व वर्षा का वितरण, प्रमुख नदियाँ एवं झीलें, प्रमुख फसलें जिसमें गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, ठीक है। इसके बाद में प्रमुख खनिज, तो इसमें लोह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइड और अभ्रक। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे, ठीक है। फिर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल के ऊपर देखिए आप क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर, प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं, इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देखना एक बार जाकर के, आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। जलवायु की विशेषताएं, इस पर बना रखा है, प्रमुख नदियाँ और झीलें, इस पर बना रखा है, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, इस पर बना रखा है, प्रमुख फसलें गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा, प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण तकनीकें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां, खनिज, धात्विक और अधात्विक, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत। फिर जैव विविधता एवं इनका संरक्षण, पर्यटन स्थल एवं परिपथ। फिर भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, इसके ऊपर भारतीय संविधान दार्शनिक तत्व है, तो संविधान सभा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, संवैधानिक संशोधन। फिर है उद्देश्य का, इस पर भी वीडियो बना रखा है, मूल अधिकार पे बना रखा है, राजनीतिक
राज्य नीति के निर्देशक तत्व तो इस पर बना रखा है और मूल कर्तव्य इस पर बना रखा है। एक बार आप वीडियो को जाकर के देखना जरूर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इनके ऊपर वीडियो बना रखे हैं मैंने। नीति आयोग, इन पर भी बना रखा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, इन पर बना रखा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके ऊपर भी बना रखा है। संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण। इसके बाद में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल ये भी बना रखा है, मुख्यमंत्री पे बना रखा है, मंत्रिपरिषद भी बना रखा है, विधानसभा भी बना रखा है, उच्च न्यायालय के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर रखा है। प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रखे हैं दोस्तों, एक बार देखना आप। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है इन टॉपिकों के ऊपर मेरे बनाए हुए। फिर संस्थाएं देखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इस पर वीडियो अपलोड है। राज्य मानवाधिकार आयोग, इस पर भी वीडियो अपलोड है। लोकायुक्त, इस पर भी अपलोड है। राज्य निर्वाचन आयोग, इस पर वीडियो अपलोड है। राज्य सूचना आयोग, इस पर वीडियो अपलोड है। और मैं कहता हूँ उन वीडियो में जितना मैटर है, जैसा मैटर है वैसा मैटर आपको किसी एक गाइड के अंदर या एक बुक के अंदर या एक किसी भी वीडियो के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे ट्राई कर लेना अच्छी तरह। फिर लोक नीति एवं अधिकार, तो इसमें लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। फिर आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें अर्थव्यवस्था की मूलभूत अवधारणाएं, बजट निर्माण है, बैंकिंग है, लोक वित्त है, वस्तु और सेवा कर है, राष्ट्रीय आय है, समृद्धि है, विकास का आधारभूत ज्ञान है। लेखांकन, इसमें अवधारणा, उपकरण एवं प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार। फिर राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र। इसके बाद में आर्थिक विकास एवं आयोजन, तो आर्थिक विकास और आयोजन में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल। इसके अंदर आप बजट का जो टॉपिक है वो जरूर देखना और जो आर्थिक समीक्षा का जो टॉपिक है वो जरूर देखना। फिर है प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, इसमें मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान और वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं। सरकार की जो वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो जरूर देखना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, इसमें कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें क्या क्या टॉपिक है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य, कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि, विकास और आयोजन, आधारभूत संरचना और संसाधन, प्रमुख विकास योजनाएं, राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, जितनी भी योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा चलाई गई हैं वो पूरी देखना आप। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त जन, निराश्रित, महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन, कृषक और श्रमिकों के लिए जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, इसमें है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, आहार एवं पोषण, रक्त समूह, RH कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रमण, असंक्रामक और पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन और इनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, या इसको संपोषणीय विकास भी बोलते हैं, पोषणीय विकास भी बोलते हैं इसको, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। और इसके बाद में तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, ठीक है, तो इसमें तार्किक दक्षता, निगमनात्मक, आगमनात्मक, अपवर्णात्मक, कथन और मान्यताएं, कथन और तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, ये इसके टॉपिक हैं। मानसिक योग्यता के क्या क्या टॉपिक हैं, संख्या, अक्षर, अनुक्रम, कूट वाचन, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंधों से संबंधित समस्याएं, दिशा ज्ञान परीक्षण, तार्किक विनारेख, दर्पण या पानी प्रतिबिंब, आकार और उनके उपविभाजन। फिर आधारभूत संख्यात्मक दक्षता, तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, अनुपात, समानुपात तथा साझा, प्रतिशत, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज,
समतलीय चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र, आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी, दंडारेख, रेखीय आरेख, पाई चार्ट, मध्य, समानांतर, गुणोत्तर और हरातम, माध्यिका और बहुलक, क्रमचय एवं संचय, प्रायिकता, सरल समस्याएं, और लास्ट है सामायिक सामरिक समस्याएं, ऐश्वर्य घटनाएं, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो इसमें राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेलकूद, खेल संबंधी गतिविधि।